नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे और कुछ ना कुछ अपने आपको हेल्दी बनाने के लिए कर रहे होंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। वंदे भारत एक्सप्रेस, दोस्तों इस ट्रेन ने जब से इंडियन रेलवे में कदम रखा है तब से इसने बहुत करोड़ों अपने फैंस बना लिए हैं। हर कोई इस ट्रेन के बारे में जानना चाहता है, इसको फील करना चाहता है, इसमें बैठना चाहता है। एक अच्छी ट्रेन होने के साथ साथ ये एक न्यू इन्वेंशन भी है इंडियन रेलवेज़ की। अब आने वाला टाइम इन्हीं ट्रेन का होने वाला है। तो दोस्तों इसी ट्रेन की आज एक रोचक जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन की हॉर्स पावर कितनी होती होगी? तो दोस्तों आज उसी के बारे में आपके सामने मैं कुछ जानकारी प्रस्तुत करूँगा। आप लोग अभी तक सुनते आ रहे होंगे लोकोमोटिव की हॉर्स पावर 12,000 हॉर्स पावर का वैक 12 हो या फिर पैसेंजर में WAP-7 हो 6,000 हॉर्स पावर का। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी एक्सप्लेन करा है कि आखिर हॉर्स पावर क्या होती है और इस हॉर्स पावर की वजह से लोकोमोटिव की स्पीड में, टॉर्क में, ब्रेकिंग एफर्ट में, ट्रैक्टिव एफर्ट में क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप नहीं जानते तो मेरी कुछ टेक्निकल वीडियो है और टेक्निकल प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में मैंने टेक्निकल एनालिसिस पहले भी किया था दोस्तों, कैसे इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे हुए हैं, इसके कोचेस किस तरीके से एडजस्टेड हैं और इस कोचेस के अंदर कौन से कोच में मोटर है और कौन से कोच में ट्रांसफार्मर है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आज भी मिल जाएगा। तो दोस्तों 16 कोच की इस ट्रेन के अंदर चार तरह के मेन कोचेस होते हैं, DTC, MC, TC, MC। अब इसमें क्या होता है, DTC का मतलब होता है ड्राइविंग ट्रेलर कोच, जहाँ पर ड्राइवर भी बैठा होता है पीछे। इस तरह की ट्रेन में लोग भी बैठ सकते हैं जहाँ पर ड्राइवर कैबिन है उसके पीछे, आप लोग जानते हैं जिस आपने जर्नी कर ली होगी। तो इस तरह के कोच के अंदर नीचे बैटरी मौजूद होती है, बैटरी चार्जर होता है और कंप्रेसर होता है, किसी दिन इसको भी अलग से एक्सप्लेन करेंगे। मोटर कोच MC, मोटर कोच वो मेन कोच होता है जिसके अंदर प्रोपल्शन सिस्टम लगा होता है, मतलब कि मोटर, इसके नीचे ट्रैक्शन कन्वर्टर और ब्रेक चॉपर रजिस्टर भी मौजूद होता है। और अगला कोच होता है TC कोच, ट्रेलर कोच, इसमें होता है ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर और पेंटोग्राफ एंड VCB। तो ये जो सर्किट एलिमेंट है इनको मैंने ऐसे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है पिछली वीडियो में, देख लीजिएगा, 2 साल पुरानी वो वीडियो हो चुकी है। और अब बात करते हैं इस तरह के चार कोचेस को ही चार बार रिपीट अगर करा जाए तो वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसमें एक NDTC भी होता है जिसमें नॉन ड्राइवर ट्रेलर कोच जिसको कहते हैं। बस उसमें क्या होगा, क्योंकि बीच में जो मिडिल कोचेस होंगे उसमें DTC को NDTC कहेंगे, बस इतना फ़र्क होगा। यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया दोस्तों क्योंकि हमको समझना था मोटर कोच, मोटर कोच के अंदर होती है मोटर और इन्हीं ट्रैक्शन मोटर को समझना है, इनसे ही हमें पावर पता लगेगी। अब इसके अंदर होते हैं चार एक्सल, तो चारों एक्सल पर चार मोटर होती हैं। चारों मोटर की जो पावर है अभी तक मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल शायद आपको ये कई जानकारी नहीं मिली होगी, RDSO के तहत जितनी जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से इसके अंदर जो मोटर यूज़ की गई है उस मोटर की कॉन्टीन्यूअस रेटिंग बता रहा हूँ मैं, कॉन्टीन्यूअस रेटिंग जो है पावर 265.26 किलोवाट है, 265.26 किलोवाट, ये इसकी कॉन्टीन्यूअस है। और अब जो ये मोटर पावर जनरेट कर रही है वो तो इतनी है, जब ये पावर मोटर के शाफ्ट और फिर व्हील तक पहुंचेगी तब इसमें कुछ लॉसेस होते हैं, तो उसके बाद कितना आउटपुट आ रहा है, वो आ रहा है लगभग 252 किलोवाट, 252 किलोवाट। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है दोस्तों आप लोगों को कि कितने पावर की मोटर इसके अंदर यूज़ की गई है। अब आप लोग जानते हैं कि हमारे 16 रेक के अंदर जो मोटर कोच हैं वो 8 मोटर कोच हैं, 8 मोटर कोच होने की वजह से इसके अंदर अगर पर मोटर कोच 4 मोटर लगी हैं तो 8 मोटर कोचेस में 4 मोटर के हिसाब से 32 मोटर पूरे वंदे भारत एक्सप्रेस में लगी होंगी। तो 265.26 किलोवाट की मोटर जो कि लगी हैं 32, तो उनके हिसाब से हॉर्स पावर अगर निकालनी हो हमें कॉन्टीन्यूअस पावर के हिसाब से, सबसे पहले हम किलोवाट में कंबाइंड पावर निकाल लेते हैं, 265.26 into 32 इक्वल्स टू 8488.32 किलोवाट। तो दोस्तों इसके हिसाब से अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हॉर्स पावर में, तो 11383 हॉर्स पावर निकल के आता है।
अप्रोक्सीमेटली 11,400 हॉर्स पावर की हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है। कॉन्टिन्यूस पावर जनरेट कर सकती है हमारी वंदे भारत, जब चलती है तो कॉन्टिन्यूस इतनी ही पावर मैक्सिमम जनरेट कर पाती है। और अगर हम लॉसेस के हिसाब से देखें, मैक्सिमम की जगह हम देखें कि कुछ लॉसेस है तो उसके बाद शाफ्ट में कितना पहुँच रही है, फिर व्हील में कितना पहुँच रही है, उस हिसाब से निकाले तो 252 × 32 इक्वल्स टू 8,064 किलोवाट पावर निकल के आती है। अब 8,064 किलोवाट जो पावर निकल के आती है दोस्तों, ये जो पावर है, इस पावर को हम जब कन्वर्ट करते हैं हॉर्स पावर में तो 10,814 हॉर्स पावर HP, तो 10,814 HP की हो जाती है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। मतलब इतनी पावर तो वो व्हील तक पहुंचती ही पहुंचती है वंदे भारत एक्सप्रेस के पूरे रेक में, जितने भी व्हील हैं मोटर कोच के। तो दोस्तों इस तरीके से हमको मालूम पड़ता है कि ये ट्रेन बहुत पावरफुल भी है। और आज इस पावर को पता लगा करके हमको ये भी महसूस हो रहा होगा कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस में भी VAC-12 जितनी पावर है, इस अकेली वंदे भारत एक्सप्रेस में जितने भी मोटर कोचेस लगे हुए हैं। और ऐसे ही बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं ट्रेन के अंदर। आप किस किस पैरामीटर के बारे में जानना चाहते हैं, ब्रेकिंग एफर्ट हो, ट्रैक्टिव एफर्ट हो, और साथ में स्पीड एंड टॉर्क के बीच का रिलेशन हो, मोटर की रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं बताइएगा। मैं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस का स्कीमेटिक डायग्राम भी एक दिन जरूर समझाऊंगा, जिसके अंदर ट्रैक्शन मोटर को किस तरीके से लगाया जाता है, फिर कन्वर्टर कैसे फिट किए जाते हैं, मतलब इसको स्कीमेटिक डायग्राम में समझाऊंगा, और ट्रांसफार्मर किस तरीके से वहां पे वर्क करके सप्लाई पहुंचाता है, सिंगल फेज टू थ्री फेज कन्वर्जन होता कैसे है, और आखिरकार इस तरीके की ट्रेनें इतना फास्ट कैसे चल पाती हैं। ऐसे ही हमारी बुलेट ट्रेन भी होती है दोस्तों। बुलेट ट्रेन के अंदर भी जो मोटर होती है उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 17,000 हॉर्स पावर तक की बुलेट ट्रेन हो सकती हैं। सिंकाशेन की जो हॉर्स पावर है लगभग मेरे जहाँ तक जानकारी में है वो इतना है, और बाकी आप लोगों को जानकारी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस के नए ऑर्डर दिए जा चुके हैं, तो जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस बनने वाली है उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, और साथ में उस ऑर्डर को मेधा सर्वर ड्राइव को दिया गया है, किस तरीके से दिया गया, कितने करोड़ का वो ऑर्डर है, सब कुछ एक्सप्लेन मैंने लेटेस्ट वीडियो में जनवरी में मैंने जो बनाई थी वो कर दिया था, उसको आप जरूर देख लेना। और आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या मोटर की पावर को बढ़ाया जाएगा, और इसी वजह से क्या वंदे भारत एक्सप्रेस की ओवरऑल हॉर्स पावर जो है वो बढ़ेगी, तो वो आने वाला वक्त बताएगा। मैं आपको इसी चैनल पर वो वीडियो जरूर दूंगा। तो बाकी आज वाली जो वंदे भारत अभी चल रही है उसकी मैंने पावर आपको एक्सप्लेन कर दी है कि कितना पावर पहुंच पाती है व्हील तक, और कितना मैक्सिमम ये जनरेट कर पाती है अपनी मोटर के थ्रू। और आप लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, इसलिए आज आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना इसके बारे में, क्योंकि ये टेक्निकल टॉपिक है, इसमें मज़ा आएगा। आप लोग भी अगर अभी घर में हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं ट्रेन्स के बारे में, तो कुछ टेक्निकल सीखते हैं, और मैं भी सीखूंगा बनाऊंगा, तो आप भी सीखेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।